हेलो एवरीवन, हाय, आई एम प्रतीक जैन एंड वेलकम टू फिजिक्सहोलिक्स। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे क्वेश्चन पे जो बहुत सारे जेईई और नीट एस्पायरेंट्स को परेशान करता है कि सर हमसे फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहे हैं ना, या फिर हमें फिजिक्स में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, हम कर रहे हैं बहुत कुछ कर रहे हैं है ना, पर नहीं हो रहा है ना। तो मैं बात करने वाला हूँ, बात एक्चुअल में ये होती है, तुम बहुत कुछ कर रहे होते हो और लगभग हर जगह बहुत सारे लोग बता रहे होते हैं कि तुम्हें फिजिक्स में क्या करना है, पर ये कोई नहीं बताता कि क्या नहीं करना है ना। तो मैं उन 12 गलतियों की बात करने वाला हूं जो तुम्हारे फिजिक्स में मार्क्स बर्बाद कर रहे हैं, तुम्हारे फिजिक्स में कॉन्सेप्ट्स खराब कर रहे हैं और तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिरा रहे हैं। तो देख लो, तो ये तुम्हारे लिए चेकलिस्ट भी होगा कि कहीं तुम इन 12 में से कोई चीज नहीं कर रहे हो, और जहां तक मुझे लगता है मैक्सिमम बच्चे एटलीस्ट 7-8 चीजें तो कर रहे होंगे इनमें से ना, क्योंकि बहुत कॉमन सी गलतियां हैं जो लगभग करे जा रहे हैं, वाइडली प्रोपगेटेड है ना। तो इनके बारे में अपन बात करने वाले हैं ना, तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेक श्योर कि सभी लोग मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर लेना। मेरे जितने भी न्यू बैचेस आते हैं, जो भी हम सीरीज वगैरह चालू करते हैं यूट्यूब पे वगैरह, जो भी है, उन सारी चीजों के लेटेस्ट अपडेट्स वगैरह टेलीग्राम पे मिलते हैं। मैं अनअकैडमी पे बहुत सारी फ्री लाइव क्लासेस देता हूँ, लगभग हर रोज मेरी कोई ना कोई फ्री लाइव क्लास होती है, तो उसके लिए मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर लेना। इसकी लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी ना, और मैं उन क्लासेस की लिंक भी टेलीग्राम पे शेयर करता रहता हूँ ना, और साथ में यूट्यूब को तो सब्सक्राइब कर ही लेना, फिजिक्सहोलिक्स को लाइक कर देना वीडियो को। मेक श्योर जिन्होंने अभी तक फिजिक्सहोलिक्स की वेबसाइट नहीं देखी जाके देखना, मतलब जो कोटा का पूरा मटेरियल है ना, हम उसको अपडेट कर रहे हैं नीट के लिए, जेई के लिए, इंडीड मैक्सिमम हमने कर दिया है, और हर एक क्वेश्चन के वीडियो सॉल्यूशन अपलोड कर दिए हैं, एंड दिस इज कम्प्लीटली फ्री और कोई ऐड वगैरह भी नहीं है। सो मेक श्योर फिजिक्स सॉलिड्स को देखो जाके ना, तो तुम्हारी ये समस्या तो समाधान ये समस्या तो तुम्हारी सॉल्व हो जाएगी कि सब कौन सी बुक सॉल्व करे, कहाँ से करे, कहाँ से नहीं करे, क्योंकि मार्केट में बहुत मैक्सिमम बुक जो अवेलेबल है उनमें बहुत सारी गलतियां ना। तो दिस इज दीज आर द थिंग्स विच यू कैन ट्रस्ट, जिसमें कोई एरर नहीं है ना, और क्वालिटी सॉल्यूशन है जो कोटा के टॉप टीचर्स बना रहे हैं, हमारी पूरी फिजिक्स सॉलिड्स की टीम इस पे काम कर रही है। बाकी जो बच्चे सीधे डायरेक्टली मुझसे पढ़ना चाहते हैं फिजिक्स है ना, उनका है कि सर हमें फिजिक्स पढ़ना है, तो भाई मेरे जेईई और नीट दोनों के सेपरेट बैचेस चल रहे हैं, अलग अलग बैचेस चल रहे हैं बहुत सारे है ना, अनअकैडमी पे तुम अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो है ना, बहुत सारे नए बैचेस वगैरह आते रहते हैं ना, उसके बारे में पता करने के लिए तो मुझे टेलीग्राम पे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हो, दिस इज माय टेलीग्राम आईडी पीजे सर अनअकैडमी है ना, इस पर मैसेज कर सकते हो डायरेक्ट है ना, जो भी नए बैचेस वगैरह उसके बारे में पता करने के लिए। इसके अलावा भी कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हो ना, और बाकी जो बच्चे श्योर है कि वो अनअकैडमी पे आके मुझसे पढ़ना चाहते हैं, वो लोग अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, माय रेफरल कोड इज फिजिक्स लाइफ है ना, ये मेरा कोड है, अगर तुम्हें मुझसे पढ़ना अच्छा लगता है तो मेरा कोड यूज कर सकते हो, इससे तुम्हें 10% ऑफ मिलेगा, और जिस भी चीज का तुम सब्सक्रिप्शन लोगे उसका 100% एक्सेस मिलेगा। अगर नीट का सब्सक्रिप्शन लोगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का 100% एक्सेस मिलेगा, अगर आईटी जेईई का सब्सक्रिप्शन लोगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का 100% तुम्हें एक्सेस मिलेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। 12 हैबिट्स दैट रूइन योर फिजिक्स मार्क्स, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि ये तुम्हारे पास रहे और तुम इसको एज ए चेकलिस्ट देख सको कि इनमें से कोई चीज तुम नहीं करो। अभी मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा हर एक चीजों को, कुछ चीजें शायद ऑब्वियस होंगी, कुछ चीजें इतनी समझ में नहीं आएंगी, तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ठीक है, सबसे पहले तो देखो है ना, आजकल पता नहीं कहां से ये धारणाएं चालू हो गई हैं, जो लोग अच्छी कोचिंग में, अच्छे टीचर्स के गाइडेंस में नहीं है, वो लोग इन चीजों में फंस जाते हैं। जो अच्छे टीचर्स से पढ़ रहे हैं उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तुम्हें ऑलरेडी गाइड करके रखते हैं ना, वो तुम्हें भटकने नहीं देते। पर मैक्सिमम लोग आजकल यूट्यूब वगैरह पे क्लासेस कर रहे हैं, या फिर कोई लोकल कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं अपनी सिटी वगैरह की, या फिर स्कूल में पढ़ रहे हैं ना, उनको नहीं पता होता, तो कहीं तुम इनमें से किसी चीज में अपना समय तो बर्बाद नहीं कर रहे, तुमने कहीं कोई गलत यूट्यूब वगैरह पे वीडियो देख के गलत जगह फंस चुके हो, तुम अपना समय बर्बाद कर जा रहे हो ना। तो एक तो होता है, कई लोग भाई इस तरह से ड्रॉपर लोग इसमें ज्यादातर फंस जाते हैं, वो सोचते क्या थेरी वेरी कॉन्सेप्ट कौन से क्या पढ़ना है, ये सब करके क्या मिलेगा, सीधा फॉर्मूला उठाते हैं उस पर क्वेश्चन कर लेते हैं, और घटिया किस्म की किताबें करने लगते हैं ना, नीट और जेईई मेन की जनरली जो लोग तैयारी कर रहे होते हैं। तो ऐसा मत करना, तुम्हारा सिलेक्शन कभी नहीं होने वाला, इस तरीके से तुम्हारा सिलेक्शन कभी नहीं होने वाला, तुम्हारी फिजिक्स कभी भी तैयार नहीं होगी ना, क्योंकि भाई बोलो क्या करते हैं, पता नहीं 5-10 हज़ार फॉर्मूले, कितने हजारों फॉर्मूले बना लेते हैं फिजिक्स में, जबकि पूरी फिजिक्स में मुश्किल से 50 या 100 फॉर्मूले हैं, बाकी सारे कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट लिमिटेड है ना, पर वो पता नहीं इतने सारे बना लेते हैं, हर एक चीज के लिए एक अलग फॉर्मूला बना लेते हैं, हर एक प्रॉब्लम को एक फॉर्मूले की तरह बना देते हैं, तो उसमें क्या होता है, पहले तो इतने फॉर्मूले याद नहीं रहते, अगली चीज वो फॉर्मूले उस पर्टिकुलर केस के लिए होते हैं, अगर प्रॉब्लम को हल्का सा भी चेंज कर दो तो वो एप्लीकेबल नहीं होते। जब तुम इस तरीके से पढ़ते हो तो तुम्हें फिजिक्स से नफरत हो जाती है, क्योंकि तुम्हें पता तो नहीं होता पीछे का कॉन्टेक्स्ट है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कुछ समझ में नहीं आता, फिजिक्स से नफरत होने लगती है, पढ़ना मुश्किल हो जाता है, और अल्टीमेटली सिलेक्शन नहीं होगा, दैट इज फॉर श्योर, दैट ये तो पक्का है। तो मत करना ऐसी चीज है ना, कोई भी फॉर्मूला तब तक नहीं जमाना जब तक उसके पीछे की पूरी कहानी ना पता हो, कॉन्सेप्ट ना पता हो है ना, कहां से आया, कैसे ड्राइव हुआ, हर एक चीज का मतलब, उसकी वैलिडिटी पता होनी चाहिए, कहां एप्लीकेबल है कहां एप्लीकेबल नहीं है। जब हम क्लासेस में पढ़ते हैं तो हम हर एक फॉर्मूले के साथ उसकी वैलिडिटी पढ़ते हैं कि भाई इसमें कितने तरीके की सिली मिस्टेक्स होती है, कहां कहां लगाना है, कहां कहां नहीं लगाना, कैसे आया क्या है, सब कुछ पढ़ते हैं, तब जाके करते हैं यार,
है ना, उसको फिर याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, वो क्वेश्चन कर करके अपने आप याद हो जाता है ना। तो ये नहीं करना, न्यूमेरिकल करना बहुत अच्छी बात होती है, जेईई नीट दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट है, पर ये नहीं कि सिर्फ न्यूमेरिकल करे, जरूरत से ज्यादा न्यूमेरिकल करे जा रहे हैं ना, बिना कॉन्सेप्ट पढ़े कुछ भी करे सिर्फ न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल करे जा रहे हैं, नहीं इससे भी फायदा नहीं होगा, ये भी गड़बड़े, इससे तुम्हारी फिजिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगी। देखो बात समझो यार, क्या है कि फिजिक्स में नंबर ऑफ क्वेश्चन इन्फिनिट है, बिलीव मी इन्फिनिट है, कितना भी कर लो कभी खत्म नहीं होंगे ना। अगर तुम याद करके तुम क्वेश्चन कर करके तुम फिजिक्स को याद करने की कोशिश करोगे कभी नहीं कर पाओगे, मतलब कभी नहीं कर पाओगे ना। पर कॉन्सेप्ट बहुत लिमिटेड है, जब तुम ढंग से कॉन्सेप्ट समझ लेते हो ना, उनके अप्लाई करना सीख लेते हो, तो तुम किसी भी प्रॉब्लम को कर पाओगे, तुम्हें इतनी सारी प्रॉब्लम करने की जरूरत नहीं है, हर चैप्टर में 100 200 300 प्रॉब्लम बहुत होते हैं, फिर तुम अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तुम उसको सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि तुम अप्रोच सीख चुके हो, तुम समझ सके हो कि कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करना, बहुत लिमिटेड कॉन्सेप्ट है। पर तुम सिर्फ न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल करते जा रहे हो तो वो तो बहुत गड़बड़ तरीका है, उससे नहीं होने वाला ना, तो नहीं करना है अपन को, ये नहीं करना, ये ना जेईई में काम आएगा ना नीट में काम आएगा ये तरीका। अगली चीज, बहुत सारे बच्चे आके बोलते हैं, जैसे आजकल आ रहे हैं बहुत सारे 11th 12th के बच्चे, 11th का बच्चा आया उसने सेंट्रो मास पढ़ा चैप्टर, कह रहा है कि सर क्वेश्चंस करने में बहुत समय लग रहा है सर, नोट्स रिवाइज करने में सर समय लग रहा है सर, सर एससी वर्मा करने में एक ही क्वेश्चन में 5-5 मिनट लग रहा है, 10-10 मिनट लग रहा है। तो भाई बात समझो ना, सबसे पहले तो इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, दिस इज हाउ यू लर्न, इसका मतलब है तुम सीख रहे हो और सबको सही है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो क्या होता है, जब भी तुम कोई नया चैप्टर पढ़ोगे है ना, जब भी तुम कोई नया चैप्टर पढ़ोगे तो वो नया है, तुम्हें उसे सीखना है, तुम उसमें कॉन्सेप्ट बना रहे हो, तो जब तुम स्टार्टिंग में प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना, जब क्लासेस में कर रहे हो, घर पे जाकर नोट्स की प्रॉब्लम कर रहे हो, तो उन चीजों को समझ रहे हो ना, उसको ग्रास्प कर रहे हो आइडियाज को है ना, तो उसमें तुम्हें समय लगेगा, और समय नहीं दोगे तो नहीं होगा, समय लगता है इसमें। जब तुम एससी वर्मा सॉल्व कर रहे हो पहली बार कर रहे हो है ना, अभी तुमने और कुछ नहीं करा सीधे एससी वर्मा कर रहे हो, तो समय लगेगा एक ही क्वेश्चन में, क्योंकि हर एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट चले, कोई भी वहां पे फॉर्मुला बेस्ड टाइप की क्वेश्चन नहीं कि फॉर्मुला लगाया जाएगा, हर एक क्वेश्चन में तुम्हें सोचना पड़ेगा, तो इट विल टेक टाइम, इट विल टेक टाइम। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अभी तुम्हें 5 से 10 मिनट लग रहे हैं तो फाइनल एग्जाम में भी तुम्हें नहीं लगेंगे, नहीं, क्योंकि अपन इसके बाद बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं वैसे वैसे हम इंप्रूव करते हैं, हमारी स्पीड बढ़ती जाती है। तो देखो इसमें सीधा सा रूल है, जब भी कोई नया चैप्टर चालू होगा, जब भी कोई नया चैप्टर चालू होगा, तो स्टार्टिंग में जब तक तुम 50 से 100 क्वेश्चन, ये समझ लो 100 क्वेश्चन जब तक तुम खुद से ना कर लो, तो टाइम के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है, तुम्हें ये नहीं सोचना कि मुझे 1 घंटे में 30 क्वेश्चन करने हैं, 20 क्वेश्चन करने, नहीं करने, अगर करोगे तो नहीं सीख पाओगे, बर्बाद हो जाएगा वो समय तुम्हारा, पूरा बर्बाद हो जाएगा, अल्टीमेटली तुम्हारे नंबर नहीं आएंगे, क्योंकि फिर तुम भाग रहे होगे बस कुछ भी बिना सोचे समझे कर रहे होगे, और एग्जाम में भी यही करोगे, तुम्हारे 70-80% गलत हो जाएंगे। देखो क्या होता है, जब भी कोई हम नया चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें क्वेश्चन सॉल्व करने का पर्पस एग्जाम नहीं होता, ये बहुत ध्यान से सुनना, अगर उस समय तुम एग्जाम निकालने के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो नहीं निकलेगा। जब तुमने फिजिक्स में कोई भी नया चैप्टर पढ़ा है तो स्टार्टिंग में जब तक तुम 50-100 प्रॉब्लम ना कर लो खुद से सॉल्व, उस समय स्टार्टिंग की प्रॉब्लम, स्टार्टिंग में क्वेश्चन सॉल्व करने का पर्पस होता है कॉन्सेप्ट सीखना, कॉन्सेप्ट समझना, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना सीखना है ना, अपने मिसकॉन्सेप्शन सही करना। क्लास में पढ़ने के बाद भी तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शन होते हैं, हर एक इंसान के अलग अलग होते हैं, जब हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं एससी वर्मा सॉल्व कर रहे हो तो वो धीरे धीरे हमारे सही होते हैं, हमें पता चलता है अच्छा मैं गलत तरीके से सोचा था, सही कॉन्सेप्ट ये है। तो स्टार्टिंग में क्वेश्चन करने का पर्पस ये होता है, और जब तुम इस तरीके से करते हो तो कुछ टाइम बाद पूरा का पूरी चीजें तुम्हारे दिमाग में बैठ जाती है, उसके बाद स्पीड अपने आप बढ़ जाती है। उसके बाद जब तुम बताए जैसे शीट उठा के कर रहे हो मान लो है ना, उसमें मान लो 50 क्वेश्चन, उसके बाद तुम टाइम कंस्ट्रेंट ले सकते हो कि मैं 1 घंटे में 25 करूंगा 30 करूंगा, फिर तुम प्रैक्टिस करो, एक साथ 25 क्वेश्चन करो, फिर उनके आंसर देखो कितने गलत हुए, जो गलत हुए उनको सुधारो है ना। पर स्टार्टिंग में नहीं करना कि आज भाई क्लास हुई, आज अभी खत्म हुआ टॉपिक और अभी से तुम बैठ गए 1 घंटे में 30 करो, नहीं, उस समय अभी नहीं करना, अभी ऐसा नहीं करना, करोगे तो सीख नहीं पाओगे। तो स्टार्टिंग में कुछ भी करोगे समय लगेगा। अरे इट इज जस्ट लाइक लर्निंग टू राइड अ बाइसिकल, जब तुम साइकिल चलाना सीखते हो तो ऐसा थोड़ी ना कि पहले दिन से तुम भगाने लगते हो यार, पहले तो तुम समय लगता है ना, गिरते हो, होता है नहीं होता, गिरता है चोट लगती है, फिर तुम उठते हो, फिर से पता है चलाना सीखते हो है ना। और जब तुम चलाना सीख जाते हो तो स्टार्टिंग में धीरे धीरे चला पाते हो है ना, डर लगता है, पर फिर धीरे धीरे जब तुम प्रैक्टिस करते जाते हो अपने आप स्पीड बढ़ जाती है। सेम चीज यहाँ पे होती है, जब तुम सेम चैप्टर पे बहुत सारे क्वेश्चन कर लोगे तुम्हारी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी है ना, इस चीज को समझो। स्टार्टिंग में जल्दबाजी करोगे तो खत्म हो जाओगे, सीख ही नहीं पाओगे, कभी फिजिक्स में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ऐसे भी कई बच्चे होते हैं जो बोलते हैं हमने पूरी एससी वर्मा कर ली और हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, ऐसा कभी नहीं होता, तुमने फर्जी तरीके से करिए, सही ढंग से करोगे तो ऐसा कभी नहीं होगा, इतना करना काफी होता है। अगली चीज, नॉट एनालाइजिंग आफ्टर एवरी प्रॉब्लम, सेम टाइप की चीज है। कोई नया चैप्टर है मान लो ना इलेक्ट्रोस्टैटिक हुआ, तुम गए, तुमने घर पे जाके पैकेज सॉल्व कर रहे हो ना, मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हो मान लो, तो तुम स्पीड में करे जा रहे हो, बस क्वेश्चन हो गया, आ गया, सही आ गया, ठीक है, नहीं आया तो माइनस का प्लस कर दिया, प्लस का माइनस कर दिया, सही आंसर आ गया, खत्म, बिना सोचे समझे कुछ भी करे जा रहे, इससे तुम फिजिक्स नहीं सीख पाओगे। हर एक क्वेश्चन के करने के बाद थोड़ा रुको और सोचो, स्टार्टिंग में स्पेशली जब एससी वर्मा करते हैं, अच्छी किताबें करते हैं,
तो क्वेश्चन करने का रुको और सोचो कि यार इससे मैंने क्या सीखा। इसको हर एक क्वेश्चन कुछ ना कुछ सिखा रहा होता है, कोई ना कोई मिसकॉन्सेप्शन को सही कर रहा था, क्या सीखने को मिला, कैसे करा, अच्छा इससे कोई मिसकॉन्सेप्शन सही हो तो उसको सोचो, जब तक सोचोगे नहीं तो वो कैसे बनेगा कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में। कुछ बहुत ही नया सीखने को मिला तो उसे लिख भी लो, सेल्फ नोट, अपने नोट्स में जाके लिख लो, अच्छा नहीं मेरा ये गलत कॉन्सेप्ट है, ये सही हुआ है। दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व। स्टार्टिंग में तुम इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने, अगर तुम ये नहीं करोगे तो फिर तुम सीख ही नहीं रहे हो, तुम भाग रहे हो, वो बहुत दिक्कत वाली बात है। कभी भी तुम्हारा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तुम कितने भी क्वेश्चन कर लो, एक एक चैप्टर में 1000 कर लो नहीं हो पाएगा। एक बंदा जिसने 100-150 क्वेश्चन तमीज से करोगे वो तुमसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उसका फिजिक्स, वो तुमसे फिजिक्स बहुत अच्छे से कर पाएगा, तुम्हारे 1000 क्वेश्चन भी उसके आगे फीके पड़ जाएंगे क्योंकि तुमने सही ढंग से नहीं करे, तुमने नहीं करे। ये चीज है, ये मैं बहुत करता था ना, ये ओवर कॉन्फिडेंट लोग कर लेते हैं। जनरलाइजिंग रिजल्ट्स बेस्ड ऑन फ्यू न्यूमेरिकल है ना, ये छोटी छोटी जितनी भी गलतियां हो सकती थी ना मैंने बता दी, जो गलतियां मैं खुद करता था पढ़ते समय, मेरे स्टूडेंट्स करते थे, मैंने सारी चीजें एक साथ लिख के दे दिया, कहीं तुम तो ऐसा नहीं कर रहे हो ना, फिजिक्स से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है कि जैसे हमने मान लो 5 क्वेश्चन सोल्व करे, जैसे बच्चे बहुत करते हैं, मान लो अपना वर्क पावर एनर्जी चल रहा है, अपन ने 5 क्वेश्चन सोल्व करे, उन 5 क्वेश्चन में नॉर्मल फोर्स का वर्क डन 0 था, तो बच्चा कॉन्सेप्ट खुद से ही बना लेता है, लिख लेता है नॉर्मल फोर्स का वर्क हमेशा 0 होता है, ये गलत है, नहीं ये नहीं करना। अबे तुमने 5 क्वेश्चन देखे, हो सकता है 6वें में फेल हो जाए, हो सकता है 7वें फेल हो जाए, तुम्हारा काम फिजिक्स क्रिएट करना नहीं है, तुम्हें पढ़ना है, इसलिए अच्छे टीचर के गाइडेंस पर पढ़ो, उन्होंने जो लिखा है बस वही करना है ना। तो अपने देखो ऑब्जर्वेशन करना है क्वेश्चंस में कि ये ऐसा हो रहा है, इसमें ये सीखने को मिला, ये मिला, पर तुम्हें ऐसे कॉन्सेप्ट्स नहीं बना लेने कि नॉर्मल का वर्क हमेशा 0 होता है, फ्रिक्शन का वर्क हमेशा नेगेटिव होता है, ऐसे नहीं बनाना, और ये गलत भी। तो मैक्सिमम टाइम तुम जो बनाओगे तो तुमने 5 प्रॉब्लम देख के बना लिया, तो मैंने अभी 1000 और पॉसिबिलिटी है जो तुमने नहीं देखी, वहां पे वो चीज गलत हो सकती है, तो मत बनाओ। और बना रहे हो तो टीचर से जाके डिस्कस करो, सर मैंने 5 क्वेश्चन देखे इसमें ऐसा हो रहा है, तो क्या ये हमेशा होता है, तो टीचर ने बहुत सारी पॉसिबिलिटी देखी होती, वो तो मैं बताएंगे नहीं बेटा ऐसा नहीं होता, इसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है ना। खुद से मत करना ये चीज, कभी भी मत करना। मैंने 11th 12th में सेल्फ स्टडी करता, तो मैंने कई कॉन्सेप्ट बनाए थे, उनमें से कई सही भी थे पर कुछ गलत भी निकले, मतलब अच्छे खासे थे जिनमें छोटे छोटे कहीं ना कहीं हल्का फुल्का चेंजेस की जरूरत थी। तो ये खुद से नहीं करना, तुम्हें क्रिएट नहीं करना, तुम्हें पढ़ना है। टू मेनी डिफरेंट बुक्स एंड पैकेजेस, ये आजकल मतलब है कि भाई मैं इस फलाना कोचिंग का पैकेज कर लेता हूँ, और ये उस कोचिंग का पैकेज भी बड़ा फेमस है, दिल्ली वाले का भी कर लेता हूँ, कोटा वाले के भी कर लेता हूँ, ये फलाना टीचर इनका भी कर लेता हूँ, ये वाली किताब भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, ये बर्बाद होने की पक्का एक ये शोर शॉर्ट स्ट्रेटजी कि तुम अपने आप को बर्बाद कर लोगे। भाई देखो ऐसा है, समय बहुत लिमिटेड होता है ना, चाहे 1 साल हो तुम्हारे पास, चाहे 2 साल हो, बहुत लिमिटेड समय होता है, इतना समय नहीं होता कुछ भी करो। भाई कुछ एक बुक उठा लो, अगर फिजिक्स में SC वर्मा कर रहे हो तो उसे ढंग से पूरा खत्म करो, जिस भी कोचिंग में पढ़ रहे हो उस कोचिंग का पैकेज कर रहे हो तो पूरा बिल्कुल एग्जाम्पल से लेके एक एक चीज पूरी थरोली खत्म करो। ये नहीं कि आधा ये वाला पैकेज कर लिए, फिर आधा ये वाला कर लिए, फिर ये कर लिए, फिर थोड़ी सी वाली किताब कर ली, नहीं, डोंट डू दैट। एक पकड़ो और उसे खत्म करो, अच्छी किताब पकड़ो और उसे खत्म करो। अगली चीज ये एक बहुत छोटी सी, मतलब ये मैं आजकल बहुत कॉमन देखता हूँ, बच्चे आगे बोलते हैं ना, जैसे 12th में जो नए बच्चे आते हैं, जनरली मैं 12th में नए बच्चों को लेता नहीं हूँ, लेता हूँ तो उन्हें पूरी 11th पढ़ाता हूँ। तो जैसे होता है कई बार 12th में नए बच्चे आते हैं, ड्रॉपर में आते हैं और बोलते हैं सर मुझे 12th की फिजिक्स आती है पर 11th की नहीं आती, और 11th की बिल्कुल ही नहीं आती, मतलब उनको FBD नहीं बनते, NLM में थोड़ा घुमा के क्वेश्चन देते तो नहीं होते, वर्क पावर एनर्जी में कॉन्सेप्ट के नाम पे कुछ नहीं आता। तो देखो ऐसा है कि अगर तुम्हें 11th नहीं आती, 11th में स्पेशली बेसिक चैप्टर जैसे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, मोमेंटम वगैरह, एनर्जी वगैरह, वो नहीं आता, तुम्हें लगता है कि तुम्हें 12th आती है, तो बेटा तुम्हें 12th भी बिल्कुल नहीं आती है ना। ये समझो 11th के जो स्पेशली मैकेनिक्स वाला पार्ट है वो बिल्कुल कोर बेसिक्स है फिजिक्स के, उसके बिना तुम बाकी फिजिक्स में कुछ नहीं समझ सकते, 12th की फिजिक्स में नहीं समझ सकते, तुम रट सकते हो, तुम रट सकते हो, तुम मैक्सिमम पार्ट रटा है, तुमने समझा नहीं। जब तुम 11th को ढंग से पढ़ लोगे उसका, जब तुम 12th में जाओगे ना तो तुम्हें लगेगा सब कुछ बहुत आसान है, और फीलिंग आ रही होगी है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक वगैरह, पूरी एनर्जी वगैरह, कितनी सारी चीजें होती है उसमें, उन सबकी तुम्हें फीलिंग आएगी, एक्चुअल मतलब समझ में आएगा, पर 11th के बिना नहीं आएगा कभी भी ना। तो हमेशा पहले 11th को ढंग से करो, स्पेशली मैकेनिक्स, मैकेनिक्स स्ट्रांग होना चाहिए है ना, मैकेनिक्स स्ट्रांग होना चाहिए, और जिसने मैकेनिक्स कर लिया उसका पूरी फिजिक्स बाकी हो जाती है, उसको फिर कहीं भी बाकी फिजिक्स में कहीं भी कुछ नहीं रखता जो मैकेनिक्स कर लेता है, सारे उसके कोर कॉन्सेप्ट तैयार है ना। तो ये करो। अगली चीज, नॉट लिसनिंग टू टीचर सॉल्यूशन व्हेन ही स्टार्ट डिस्कसिंग, ये प्रॉब्लम जैसे मेरे साथ भी होती थी भाई, ये उन बच्चों के साथ होती है ना ओवर कॉन्फिडेंट टाइप के, या फिर जो हर चीज खुद से करना चाहते हैं। तो देखो इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोगों के साथ ये दिक्कत नहीं होगी, पर जिनके साथ है देख लेना। जैसे मान लो मैं जब अपने जमाने में पढ़ता था ना कोटा में, तो क्या होता था, टीचर ने क्लास में क्वेश्चन दे दिया है ना, अब टीचर ने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 मिनट दिए, तो मैं 2 मिनट में सॉल्व कर रहा हूँ, 2 मिनट में मान लो मेरा आधा ही सॉल्व हुआ, पर मुझे पता है मैं सॉल्व कर लूंगा या फिर मुझे आगे दिख रहा है ना, पर 2 मिनट बाद क्या होता है टीचर फिर सॉल्व करने लगता है, क्योंकि क्लास में ज्यादा समय नहीं दे सकते। तो मैं क्या करता था, मैं टीचर का सॉल्यूशन सुनता नहीं था, अपनी ट्राई करता रहता था, उतने में टीचर का अगला क्वेश्चन चालू हो जाता था, मैं पुरानी क्वेश्चन ट्राई कर रहा हूँ, फिर मैं क्लास में बैकलॉग हो जाता, लाइव बैकलॉग हो जाता था क्लास में, या फिर कई बार मैं सॉल्व ही नहीं कर पाता था और टीचर ने भी सॉल्यूशन मिटा दिया तो गया है ना। तो ये चीज नहीं करनी है ना,
कई लोगों के साथ ये दिक्कत होगी, जैसे मैं भी अगर क्लास में तुम्हें पढ़ा रहे हो या तुम्हारे टीचर पढ़ा रहे हैं, चाहे ऑनलाइन पढ़ा रहे हो चाहे ऑफलाइन पढ़ा रहे हो, अगर उन्होंने कोई क्वेश्चन दिया, क्लास में बहुत ज्यादा समय नहीं दे सकते क्योंकि क्लास में टाइम का कंस्ट्रेंट होता है, उन्होंने 2 मिनट दिए 3 मिनट दिए, हो सकता है उसमें तुमने सॉल्व कर लिया, अच्छी बात है, तुमने गलत सॉल्व कर लिया, चलो कोई बात नहीं, आप टीचर का सुन लो, मान लो तुमसे आधा सॉल्व हुआ, तो जब तुम्हारा आधा सॉल्व होता है या फिर तुम्हें पता होता है कि 1-1.5 मिनट में तुम पूरा सॉल्व कर लोगे ना, वो बड़ा मुश्किल पार्ट होता है, उस समय अपना सॉल्यूशन छोड़ना और किसी और का सुनना। पर तुम्हें ये चीज समझनी है, तुम्हें अपने आप को इमोशनली अटैच नहीं करना, तुम्हें चीजों को ईगो पे नहीं लेना, क्योंकि ये चीज फिर एग्जाम में भी हो जाती है। तो अगर तुम्हें पता है तुम सॉल्व कर रहे हो, तुम्हारा सॉल्व भी होने वाला है या नहीं होने वाला, जो भी है, टीचर ने अगर डिस्कशन स्टार्ट कर दिया तो इमीडिएटली तुम अपना सॉल्यूशन छोड़ दोगे, इमीडिएटली छोड़ो, टीचर जो पढ़ा रहे हैं उसको सुनने पर ध्यान दो, कभी भी लाइव बैठना, टीचर की बातों को मिस नहीं करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे पास तुम्हारा सॉल्यूशन है, कोई बात नहीं, उसको छोड़ो, उसके लिए आधे पेज की जगह छोड़ दो, और टीचर जो करा रहे उसको देखो, उसको लिखो, घर पे जाके तुम अपना सॉल्यूशन करो। ये चीज मैं हमेशा करता था, क्योंकि मेरा सॉल्यूशन हमेशा अलग तरीके से होता था। फिजिक्स में लगभग हर एक प्रॉब्लम मैंने, एसटी वर्मा की तो लगभग हर प्रॉब्लम 2-2, 3-3 मेथड से करी है ना, और टीचर भी जो क्लास में कराता था उनका एक तरीका होता था, मेरे खुद का एक तरीका होता था। तो जब टीचर फिर कराता था तो मैं उनका अपना सॉल्यूशन छोड़कर उनका सुनता था, है ना, फिर घर पे जाके अपना ट्राई करता था, तो उससे फिजिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग होगी ना, क्योंकि हर क्वेश्चन को कई कई मेथड से करा तो हर तरीका पता है, ऐसे भी हो जाता है, ऐसे भी हो जाता है, या फिर नहीं हुआ दूसरे तरीके से पता चल जाता है कि क्यों नहीं हुआ इस तरीके से, है ना। तो ये चीज जानो, है ना, अपना सॉल्यूशन भी इंपॉर्टेंट है, जो सॉल्यूशन तुम्हारे दिमाग में वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको नहीं मानना, पर अभी क्लास में मत करो, है ना, क्योंकि क्लास में अभी टीचर जो पढ़ा रहे हैं वो सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी के लिए अपना ईगो साइड में रखो, इमोशन साइड में रखो, छोड़ो उस क्वेश्चन को, टीचर का सॉल्यूशन सुनो, घर पे जाके जब रिवाइज करोगे तो फिर अपने तरीके से देखना, हो सकता है उससे सॉल्व हो जाए तो तुमको एक नया तरीका मिल गया सॉल्व करने का, नहीं हुआ तो तुम्हें पता चल जाएगा क्यों नहीं होता, अगर डाउट है तो टीचर से जाके डिस्कस करो। अगली चीज, ये भी बहुत दिक्कत है कुछ बच्चों के साथ, नॉट ट्राइंग अदर मेथड्स ऑफ सॉल्विंग द सेम क्वेश्चन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई लोग बोलते हैं फिजिक्स में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, क्योंकि वो ये वाली चीज नहीं करते फिजिक्स में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर मुझे लगता है मेरी फिजिक्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुई तो उसमें इस एक पर्टिकुलर फैक्टर का बहुत बड़ा हाथ है, जो मैंने अभी बताया, है ना। जैसे कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं, मान लो वर्क पावर एनर्जी में कोई क्वेश्चन कर, तुमने उसको लेट्स से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कर दिया, पर तुम्हारे दिमाग में आइडिया आ रहा है यार क्या मैं इसको काइनेमेटिक्स से भी कर सकता हूँ या फिर किसी और तरीके से कर सकता हूँ क्या इसको मैं, या फिर रोटेशन में कोई क्वेश्चन कर रहे हो, तुमने कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से कर दिया, तुम्हारे दिमाग में आइडिया आया कि मैं क्या इसके फोर्स और टॉर्क की इक्वेशन लगा के भी कर सकता हूँ। अबे आइडिया आया तो ट्राई करो, आइडिया आया है ना, ट्राई करो, है ना, तो करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम इसको दूसरे तरीके से कर सकते हो तो करो, कई केसेस में हो जाएगा सॉल्व, कई केसेस में नहीं होगा, सॉल्व हो गया तो बहुत अच्छी बात, तुम्हें पता चल गया तुम्हारे कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तुम्हें पता चल जाएगी ये चीज और ये चीज आगे जाके मिलती है, नहीं हुआ तो फिगर आउट करो कि क्यों नहीं हुआ, नहीं तो अपने टीचर से जाके डिस्कस करो, है ना। जैसे हमारे फिजिक्स वाले से डाउट ग्रुप में हम जो डाउट डिस्कस होते हैं तो उसमें सीधे क्वेश्चन पोस्ट नहीं कर सकते, तुम हमेशा अपने क्वेश्चन के साथ अपना सॉल्यूशन पोस्ट करते हो या तुम पूछते हो कि तुम्हें क्या डाउट है ना, क्योंकि हमें सीधे सॉल्यूशन नहीं देना, हमें तुम्हारे सॉल्यूशन को सही करना है, तुम्हारा जो मिसकंसेप्शन उसे सही करना है, या फिर तुम्हारे तरीके से तुम्हें सॉल्यूशन तक पहुंचाना है। दिस इज हाउ यू लर्न फिजिक्स। एक बंदा जो 300 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है एक एक मेथड से, और एक बंदा जो जिसने 100 क्वेश्चन सॉल्व करे और लेट्स से 2-3 मेथड से सॉल्व करे, तो उसकी फिजिक्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। उसने सिर्फ 100 क्वेश्चन करे पर उसने 2-3 मेथड से कर लिया, उसकी फिजिक्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, उसकी कॉन्फिडेंस अलग लेवल का होगा। और जो बच्चा सिर्फ एक एक मेथड से कर रहा है, 300 क्वेश्चन भी कर लेगा, उसको वो कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा, कि उसको हमेशा उसके दिमाग में रहेगा एग्जाम में जाके, यार मैं इसको काइनेमेटिक्स से करूं या वर्क पावर एनर्जी से करूं, वो श्योर ही नहीं रहेगा कि किस कैसे करने से आंसर आएगा, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना फिजिक्स में, अगर तुम्हें एक से ज्यादा तरीका दिख रहा है तो उसे ट्राई करो और अपने टीचर से जाकर डिस्कस करो। अच्छे टीचर हमेशा इसको एनकरेज करते हैं और वो करते हैं क्लास में, लगभग हम क्लास में जो क्वेश्चंस करते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चंस में 2-2 कई तरीके से तुम्हें दिखाता हूं। अच्छे टीचर हमेशा ये करते हैं, वो तो कम से कभी नहीं कहेंगे फालतू चीजें ट्राई नहीं करो, नहीं करो ना, क्यों नहीं करो यार, अगर आंसर आ सकते या फिर तुम्हें बता देंगे ये वाला तरीका बहुत बड़ा हो जाएगा, इसमें जाके तुम मैथमेटिकली फंस जाओगे, तो इसको ट्राई मत करो। हम तो कई क्वेश्चन 4-4 मेथड से भी करते हैं और चारों को अलग अलग तरीके होते हैं उसको करने के, उससे अलग लेवल विजुअलाइजेशन आता है फिजिक्स में ना, उसको करने के बाद फिजिक्स में जो कॉन्फिडेंस आता है वो उसको बोलते हैं आयरन क्लेड कॉन्फिडेंस, बहुत तगड़ा कॉन्फिडेंस आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, तो करो, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम दूसरे तरीके से कर सकते हो ट्राई 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 नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा, नहीं करोगे तो हमेशा तुम्हारे वो अगर तुमने उसको ट्राई नहीं करा ना तो तुम्हें पता चल गया कि एक चीज फिजिक्स में जो तुम्हें नहीं पता और तुमने ट्राई भी नहीं करा, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस अपने आप डाउन होता जाएगा, तुम्हें पता रहेगा बस मैं इसी तरीके से जा सकता हूं, इस तरीके से जाऊंगा तो नहीं होगा क्योंकि मैंने एक्सप्लोर नहीं करा उसे ना, डोंट बी लाइक दैट। हाँ, पर ध्यान रखना है कि ऐसा करते हमें बहुत ज्यादा भी समय बर्बाद नहीं करना है, एक ही क्वेश्चन में 1-2 घंटे ऐसे भी नहीं करना है, लिमिट रखो 5-10-15 मिनट, कोई बड़ा क्वेश्चन है तो 15 मिनट बनना नहीं है ना, फिर टीचर से जाके डिस्कस कर लो। अगली चीज भाई, ये आजकल है ना, स्पेशली नीट के बच्चों के लिए है ना, एज्यूमिंग ऑल आंसर्स गिवन इन द बुक्स मॉड्यूल्स आर राइट एंड चेंजिंग योर कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन इट। भाई देखो, मार्केट में जो बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है या फिर जो कोचिंग से पैकेजेस हैं लोकल कोचिंग से, उनमें बहुत सारी गलतियां होती है, बहुत सारी गलतियां होती है, थोड़ी बहुत नहीं,
उनको तुम्हें पता भी नहीं कितने गंदे तरीके से बनाया जाता है, बस किसी का भी नाम लगा के चिपका के बेच रहे हो तो उनको बनाए बेच के ले जाते हैं, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन उठा के डाल दिया, किसी ने कुछ डाल दिया, किसी ने कुछ डाल दिया, बना देते ना, तो उनमें बहुत सारी गलती होती है। सबसे पहले तो ऐसी किताबें करनी नहीं है। अगली चीज, तुमने कुछ सॉल्व करा और तुम्हें लग रहा है तुम्हारा सही है ना, और बुक में अगर गलत आंसर दिया तो ये मत सोचो कि बुक में हमेशा आंसर सही होता है। घटिया किताबों में तो बहुत सारी गलतियां होती हैं, अच्छी से अच्छी किताबों में, अच्छी कोचिंग के पैकेजेस में भी कुछ गलतियां हैं, कुछ छोटी गलतियां, कुछ बड़े लेवल की कॉन्सेप्चुअल गलतियां भी हैं, है ना। तो अगर तुम्हें कहीं भी लगता है ना तो अपने टीचर से जाकर डिस्कस करो, है ना, और कोशिश करो अच्छी बुक से तैयारी करो, है ना। आलतू फालतू वाली बुक से तैयारी ना करें, वो बेटर रहता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कई बार तुम सही कर रहे हो तो बुक्स में गलत दिया होता है, उसमें गलत सॉल्यूशन दिया होता है। और इंडीड मैक्सिमम मार्केट में जो बुक्स हैं वो ऐसी ही हैं, बहुत ही घटिया लेवल की किताबें, तो फिजिक्स में उनको कभी भी यूज मत करो। इसलिए एस सी वर्मा सबसे सेफ है और सबसे प्यारी और सबसे अच्छी बुक है, सो आई ऑलवेज रिकमेंडेड, है ना। उसमें कुछ अराउंड 19 या 20 एरर्स थे जो 2019 में मैं गया था अक्टूबर में वर्मा सर के पास, है ना, तो वो मैंने करेक्ट करा दिया, नए वर्जन में वो सही हो चुके हैं ना। और जो थोड़ी बहुत जो और भी गलतियां वो मुझे पता है, वो मैं तुम्हें हमेशा बता दूंगा ना, छोटी मोटी गलतियां, बाकी नहीं है। तो ये तुम बोल सकते हो ये तुम्हारे पास वो बुक है जिसमें सबसे कम एरर है, सो फॉलो दैट, एक्यूरेट है, बहुत प्यारी किताब। एज्यूमिंग ऑल क्वेश्चंस इन पीवाईक्यू से राइट, अगली चीज, यहां पे मैं सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूं, क्वेश्चंस ही गलत होते हैं, सॉल्यूशंस तो छोड़ो, क्वेश्चंस ही कई बार गलत आए हुए हैं, छोटी मोटी गलतियां तो रहती हैं, कई बार बड़े बड़े गलत आए हुए हैं। नीट और जेईई, और ये मतलब कोई ऐसा रेयर केस नहीं है, ये मतलब बहुत ऑफन है, इट हैपेंस वेरी ऑफन। तो जस्ट बिकॉज क्वेश्चन गलत है, और ये दुख की बात है कि लोग गलत क्वेश्चन को जबरदस्ती सही एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उससे बच्चों के कॉन्सेप्ट खराब हो जाते हैं और जबरदस्ती घुमा फिरा के सॉल्यूशन दे रहे होते हैं, मतलब विच इज वेरी रॉन्ग, है ना, जो गलत है तो गलत है। तो नीट और जेईई में तो बहुत बार ऐसा होता है ना, इसलिए मैं भाई वो सारे क्वेश्चंस अपने बताया, मैंने नोट्स में डाल रखा, उनको करेक्ट कर रखा, सारे क्वेश्चंस को मैंने करेक्ट कर रखा। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए कभी भी कोई बुक रिकमेंड नहीं करता, कभी भी कोई बुक, है ना, यहाँ तक कि एडवांस में भी कई क्वेश्चन गलत आए हुए हैं, कई क्वेश्चन, है ना, कई बार वो लोग मान लेते गलतियां, है ना, आईटी वाले, और बोनस करते थे, कई बार उन्होंने नहीं माना, है ना, और गलत के हिसाब से सॉल्यूशन दे रखा है। तो वो तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हें उसके बेसिस पे अपना कॉन्सेप्ट खराब नहीं करना है, तुम्हें उसके बेसिस पे अपना कॉन्सेप्ट खराब नहीं करना है, तो बेटर है भाई। इसलिए मैंने सारे तो नोट्स में ही करा देता हूँ ये सारी चीजें, ताकि तुम्हें उसमें कंफ्यूजन ना हो, है ना, कि तुम सही जगह सॉल्व कर रहे हो पर क्योंकि क्वेश्चन गलत है या सॉल्यूशन गलत है उसके चक्कर में तुम अपना कॉन्सेप्ट बर्बाद कर लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगली चीज भाई, ये आजकल चालू हो गया है, बहुत ही घटिया है बेटे, अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो बेटा इमीडिएटली बंद कर दो, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे, है ना, कि दूसरों के नोट से पढ़ाई करना, ईजी सॉल्यूशन ढूंढना, है ना, कि भैया किसी टॉपर के नोट डाउनलोड कर लिए, जेईई या नीट के किसी टॉपर के नोट से पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर टीचर ने सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में लिख के नोट्स दे दिए बढ़िया मस्त, बट अगर ऐसा कुछ है तो फाड़ के फेंक दो, है ना, नहीं तो सिलेक्शन ही रुक जाएगा सीधा। नोट्स खुद से बनाने होते हैं और उसमें कोई दूसरा तरीका नहीं है, नोट्स खुद से बनाने ही होते हैं, है ना। मेरे पास जैसे मेरे सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में है, जो बच्चों ने बहुत इंडिया की अच्छी रैंक्स प्रोड्यूस करी उन बच्चों के नोट्स भी मेरे पास पीडीएफ फॉर्मेट में मेरे स्टूडेंट्स के, पर मैं कभी नहीं देता। हमारे खुद की पूरी पीपीटीज बनी पड़ी है, पूरे नोट्स डिजिटल में कन्वर्ट कर दिए हैं विद एनिमेशन एंड एवरीथिंग, वो भी मैं नहीं देता, मैं जबरदस्ती फोर्स करके तुमसे लिखवाता हूं, क्योंकि तुम्हें खुद से लिखना जरूरी है, अगर नहीं लिखोगे तो नहीं होगा सिलेक्शन। नोट्स खुद से बनाना जरूरी है, खुद के शब्दों में चीजों को लिखना बहुत जरूरी है, तो नोट्स खुद से बनाओ, बहुत मेहनत लगती है नोट्स बनाने में, बहुत मेहनत और बहुत समय लगती है, क्योंकि तुम सीख रहे होते जब तुम नोट्स बना, तुम सीख रहे होते, जब तुम घर पे जाकर उसको रिवाइज करते और अपने शब्दों में लिखते, वो बहुत मेहनत का काम होता है, हाँ, क्योंकि तुम सीख रहे हो, यू आर लर्निंग इट। जब तुम दूसरों के से पढ़ रहे हो तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो याद रखना फिजिक्स में दूसरों के नोट से पढ़ना, टॉपर्स नोट, टीचर्स नोट, हैंड रिटन नोट, ये फर्जीवाड़ा है, एक अगला फर्जीवाड़ा फॉर्मूला शीट वगैरह, ऐसी कोई नहीं होती, फॉर्मूले होती ही नहीं है भाई, 500 फॉर्मूले होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं बस, तो फॉर्मूला शीट जैसी किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती फिजिक्स में। अगली चीज क्या होता है, एक माइंड मैप करके कुछ चलाए, अगर ऐसा कुछ है तो इससे ज्यादा फर्जीवाड़ा कुछ भी नहीं है फिजिक्स में, ऐसी कोई चीज नहीं होती। शॉर्ट नोट्स फिजिक्स में, अगेन शॉर्ट नोट्स की जरूरत नहीं होती, है ना, तुम मेरे से पढ़ रहे हो, नहीं आज तक मेरे किसी स्टूडेंट को जरूरत नहीं पड़ी, मुझे जरूरत नहीं फिजिक्स नहीं पड़ी, फिजिक्स में कॉन्सेप्ट होते हैं, और मैं तुम्हें क्लास में फिजिक्स वाले पॉइंट देता हूँ, बस वो काफी होते हैं। एग्जाम से पहले फाइनल एग्जाम, उससे 2 घंटे में तुम्हारे पूरे नोट्स रिवाइज हो जाते हैं, नहीं होती, ये सब फर्जीवाड़ा है, तुम्हें अगर कॉन्सेप्ट आते हैं तुमने क्वेश्चन सॉल्व करके तुम्हारा हो जाएगा, रिविजन बहुत क्विकली होता है, फिजिक्स में तो नहीं होती ऐसी कोई चीज़। तो फिजिक्स में अगर इन सब चीज़ों के चक्कर में पड़ रहे हो तो संभल के रहना, तुम कहीं अपना समय बर्बाद कर रहे हो, हाई चांस है तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगेन भाई मैंने एक्सप्लेन कर दिया है ना, कोई क्वेरी है तो मेरी अनअकैडमी पे हर रोज फ्री लाइव क्लासेस होती है, तो वहां पे आके क्लेरिफाई भी कर सकते हो ना, तो अनअकैडमी पे जाके मुझे फॉलो कर लेना, मैं तुम्हें टॉप पे लिखूंगा, फैकल्टी की लिस्ट पे जाना, यू विल फाइंड मी ऑन द टॉप। और बाकी जो लोग अनअकैडमी पे आके प्रॉपर मुझसे पढ़ना चाहते हैं, मेरे गाइडेंस में पढ़ना चाहते हैं ना, फिजिक्स सॉलिड्स की टीम के गाइडेंस में पढ़ना चाहते हैं, कोटा के टॉप टीचर से पढ़ना चाहते हैं, वो लोग फिजिक्स लाइव कोड यूज करके अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, दिस इज माय कोड, इससे तुम्हें 10% ऑफ मिलेगा। और ये मेरी टेलीग्राम आईडी है, तुम इसमें मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो, पीजे सर अनअकैडमी, ठीक है, चलो बाय गाइस, सी यू। और बाकी वीडियो को लाइक कर देना, अच्छा लगे तो शेयर वगैरह कर देना, तुम्हें लगता है अगर तुम्हारे किसी दोस्त के काम आएगा तो। सी यू, बाय बाय।